स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कि किसी भी Redmi के फ़ोन में फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा फ्रंट स्क्रीन पे, जो कि थीम्स के नाम से होता है, ऐसी कि अभी ये है मेरे पास। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉन्ट्स वाले टैब पे आ जाना है, जो कि दाहिने साइड चौथे नंबर पे है। इस पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद ये सारा का सारा फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप इसमें अपना सा कोई फॉन्ट चूज कर लीजिए जो आपको बढ़िया लगे, और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना। ये सारे के सारे फ्री हैं। यहाँ पे आपको मोर पर क्लिक करके आप और भी कई सारे फॉन्ट्स देख सकते हैं। और अभी मैं ये रोज़मेरी का फॉन्ट मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसी पे फ्री वाले जो आपको दिख रहा है टैब, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाने के बाद इंपोर्ट होगा, उसके बाद ये आपको अप्लाई करने को बोलेगा। आपको इस पर अप्लाई कर देना है। देखिए अब बोल रहा है रिबूट करने के लिए। अब आपको रिबूट करना होगा, मैं अभी रिबूट कर देता हूँ। रिबूट करने के बाद आपको जो है सो ये जब चालू होगा तो वो वाला नया वाला फॉन्ट जो आपने अभी अप्लाई किया है वो आ जाएगा। एक बार देखिए, मैंने अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया, और रिस्टार्ट होने के बाद वो जो मैंने फॉन्ट को अप्लाई किया अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दो फॉन्ट्स दिखाई देंगे, एक रोबोटो जो कि इसका डिफ़ॉल्ट होता है, एक रोज़मेरी अभी जो हमने अप्लाई किया। तो इसी तरह से आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बार उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना होता है। ये स्टार्ट होने के बाद वो थीम आपका अप्लाई हो जाता है। देखिए अभी सारे के सारे ऐप वगैरह सबका जो है सो फॉन्ट बदल गया है। यू कैसे हम किसी भी रेडमी के फ़ोन में फॉन्ट चेंज करते हैं।